हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आज करने जा रहा हूँ मेरे जो कार है इसका कंप्लीट इंटीरियर क्लीन। तो अभी इंटीरियर का हाल कुछ ऐसा है, जो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया है, लेकिन फिर भी एज यू कैन सी ये जो सब कॉर्नर्स में ये जो धूल मिट्टी चिपका हुआ है, और ये साइड में ऐसे, फिर यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट की जगह पे यहाँ पे कुछ गंदे की है, जैसे कि आप देख सकते हो। सिमिलरली ये जो देखो कैसे चिपका हुआ है, ये जो रबर बिडिंग है इसमें भी धूल मिट्टी घुसा हुआ है, ये सारे है। तो ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो मैंने गाड़ी को थोड़ा साफ किया था, और ये देखो सीट्स में भी, एज यू कैन सी सीट में भी कितना गंदगी है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने फिर भी क्लीन किया, लेकिन ये सब चीज़ जो है ये नॉर्मली क्लीन नहीं होगा। जैसे इधर भी देख सकते हो, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और चारों तरफ गाड़ी का चारों तरफ देखो इतना गंदगी है, ऐसे इतना ये गंदा होके रखा है। तो इसको क्लीन करने के लिए मुझे भी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मशक्क़त, और इसके लिए चाहिए मुझे एक वैक्यूम क्लीनर। तो मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, ये यूरिका फोर्ब्स का, तो बहुत दिनों से मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, तो थोड़ा गंदा है अभी। और इससे मेरा जो पर्पस सॉल्व हो जाता है, दो इसका सक्शन उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व कर देता है। तो अभी लेट नहीं करते हैं और फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मेरा वैक्यूम क्लीनर है रेडी, इसको मैं अभी गाड़ी पर रख देता हूँ और सीट को ऑल द वे पीछे कर लेता हूँ, और अभी इससे क्लीनिंग करना पड़ेगा स्टार्ट। तो इस वैक्यूम क्लीनर का एक ही प्रॉब्लम है कि ये कहीं पे बैठता नहीं है, ऐसे हिलते डुलते रहता है। तो इसको मुझे कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये साफ़ सफाई करना पड़ेगा। और ये सब कॉर्नर क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल और बहुत ही चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पर ना पहुँचता है हाथ और ना ही वैक्यूम क्लीनर भी ठीक से पहुँच पाता है। और सीट को आगे करने के बाद ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदगी है यार, बाप रे बाप। तो थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, बट एज यू कैन सी बहुत गंदगी है। तो मैं एक बार नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर चला देता हूँ, फिर यूज़ करूँगा इस ब्रश को। इस ब्रश को लगा के इसको क्लीन करना पड़ेगा, पहले नीचे का पार्ट क्लीन कर लेता हूँ, फिर सीट क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसी वेंट्स का भी हाल देखो कितना गंदा है, एसी वेंट्स का हाल देखो भैया। तो अभी इसमें कचरा हो गया है फुल, इसको करना पड़ेगा क्लीन, क्योंकि इसका सक्शन कम हो गया है। ओके, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, सो डोंट माइंड। ये देखो कितना गंदगी निकला है यार, कितने सारे बाल, ओ माई गॉड। और ये है कचरा।
और इसको फिट करना बिल्कुल आसान है, खाली इसको इसमें ऐसे डालो, ऐसे डालो और यहाँ पे एक लॉक होता है, इसमें ऐसे लगाओ बस हो गया। सो एज यू कैन सी अभी गाड़ी ऑलमोस्ट कम क्लीन हो चुका है, दिखा देता हूँ एक बार, ये पीछे से अभी इतना क्लीन हो चुका है। सो अभी टाइम है सीट्स को क्लीन करने का और ये एसी वेंट्स को क्लीन करने का, तो चलो उसका प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। कार का इंटीरियर क्लीनिंग इज डन, एज यू कैन सी मैंने मैट लगा दिया है, ये 70 मैट्स है बाय द वे, सब लगा दिया और सब कुछ एकदम वेल पुट टुगेदर। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग के ऊपर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि मैं इसको कैसे पॉलिश करता हूँ। एक वीडियो में दोनों चीज़ मैं सोच रहा था कि डाल दूँ, लेकिन फिर सोचा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट का ही रखना है मुझे। और हाँ, आप लोगों से एक अपील है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड कमेंट करो प्लीज़। सब्सक्राइब ही तो करना है ना, पैसा थोड़ी ना लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, जी भर के सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा मोहब्बत दिखाओ, प्यार मोहब्बत कोका कोला। आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।